गाइस नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो व्लॉग देख रहे हैं। बहुत टाइम के बाद आज व्लॉग बना रहा हूँ। सो आज लास्ट डे है, सो आज अंतिम दिन है 2023 का। हेलो गाइस, मम्मी ऐसे बोल रहे कि मुझे 85 रुपए मिलेंगे सिर्फ। 85 रुपए चाहिए आपको? 85 रुपए दे गया आपको बहन को शादी के बाद? 85 रुपए दिए जा रहे हैं, क्या बात। चलो गलगल का पेड़ देखो, ये देखो ये है गलगल का पेड़। सो अभी मैं जस्ट रोडू गया था, रोडू जाने के बाद अभी वापस घर पहुंचा। घर के बाद जीजू दीदी आए और उन्होंने कहा कि रोडू चलते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। सो अब इसके बाद मैं रोडू जा रहा हूं, तो जाने का मूड तो नहीं था बट जा रहा हूं। ठीक है मम्मी, ओके बाय बाय, मिलते हैं। ये देखो गाड़ी उन्होंने वहाँ पार लगाई, वहाँ भी जाना है पार। तो यहाँ देखो रोड का काम चला है, सो अभी इधर से ऊपर चढ़ना है। हमने अभी रास्ता इधर से था, यहाँ पर तो बंद हो चुका है, अब यहाँ से ऊपर जाना है। चढ़ो भाई, चढ़ो 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 फटाफट से। गिर गए तो धूम 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 धूम। चलो 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 चलो, लेट हो गया यार बहुत। ड्रोन का बैग मैंने इसके पास दे दिया, मैंने कहा चलो कैमरामैन बनो। बाप रे बहुत चढ़ाई है भाई। ठीक है अभी मैं कैमरा बंद करता हूँ, गिर गया फिर। गाड़ी देखो गाइस यहाँ पर लगी हुई है। सो अभी पार घर से हम यहाँ तक आए, और पहले मैंने बता दिया आज लास्ट डे है। किस इस पत्थर के ऊपर से? आप तो हैवी ड्राइवर हो यार। तो आज लास्ट डे है साल का, सो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं रोडू। हाँ धूल में, पता क्या करना, मैं गाड़ी आगे निकालता हूँ तो धूल में पीछे साजरा जैकेट का कैसे कलर चेंज होता है। ओके सो फाइनली गाइस रोडू पहुंच चुके हैं, और अगर टाइम की बात करूं तो 7 बजने वाले, शायद कितना टाइम हो गया, 6 बजने वाले, 5:57 हो गए। और जो न्यू ईयर है वो रात को भी मनाना है, अभी जाना है जहां पर न्यू ईयर मना रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भी दीदी वगैरह रेडी होने गए हैं। सो मैं गाड़ी में बैठा था, मैंने कहा आप सभी से थोड़ी बातचीत कर लूँ। कैसा रहा आपका साल कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि आई थिंक मुझे भी लगता है जो आपका साल है वो अच्छा ही गया होगा, क्योंकि बहुत कुछ इस साल हुआ, बहुत सारी चीज़ें। सो चलो आशा करता हूँ 2024 आएगा वो भी आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। सो बहुत कुछ चीज़ें होती है, बहुत कुछ चीज़ें आती है, बहुत कुछ चीज़ें जाती है, सो अच्छे से जियो लाइफ को। तो ये कुछ सीन है, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है इस साल, बहुत अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। सो गिव अप नहीं करना कभी, लगे रहो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, पॉजिटिव ज़रूर होगा। बस अब थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से जहाँ पर फंक्शन होना है। 2 जगह हमें जाना है, एक जगह दीदी वगैरह का फंक्शन है, इनको वहाँ पे छोड़ना है, फिर वहाँ से दूसरी जगह यहाँ से 5 किलोमीटर रोडू से है पब्बर रिवर एक्स कैम्प करके, सो वहाँ पर हमने जाना है, हमारा प्रोग्राम वहाँ पर है। सो इन्जॉय करेंगे, फिर रात को वहाँ पे प्रोग्राम मनाने के बाद जहाँ पर दीदी वगैरह का प्रोग्राम है, फिर उसके बाद वहाँ पर आएंगे, वहाँ भी इन्जॉय करेंगे। सो देखते रहो आज के व्लॉग को, सो किस तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट होती है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। सो अगर आगे का मैं नज़ारा दिखाऊं तो ये रोडू है, और पार वहां पर बस स्टॉप है इस साइड को। सो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पब्बर एक्स रिवर कैंप में, तो लोकेशन देखो आप, ये हमारे सिंगर साहब इसके बाद परफॉर्म करेंगे। हाथ मिला लो, ये हमारे जीजा जी, ये भाई साहब हमारे दिल्ली से हैं, और भाई साहब अभी लगे बिजनेस बना रहे हैं, बिजनेस रोड के अंदर बिजनेस करना है भाई साहब, गुड़गांव से हमारे ना। और कैसा लगा? बहुत मजा। ये जीजू है, ये सिंगर है, ये मैं हूँ, और यहाँ पार्टी चल रही है, इसके बाद शो होना है, बहुत कुछ चीज़ें होनी है, वो भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहो आप। देखो चली हुई है पीछे, बड़ी जबरदस्त।
चेक कर रहे हैं, बाकी खाना वगैरह खा लेते हैं, डिनर हो चुका है। सो इसके बाद अब दूसरी जगह पे जाएंगे जहाँ दीदी वगैरह सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे इंजॉय कर दिया, सो अब यहाँ से निकल रहे हैं। सो सभी लोग देखो यहाँ पे खाना वगैरह स्टार्ट हो चुका है। चलो लाइट भी आ चुकी है, लाइट भी आ चुकी है। Happy New Year! दो हजार चौबीस आपके जीवन में खुशियां लाए। सो जितने भी गाइस देख रहे हैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सो 2024 हम आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और खुशियां लाए और मस्त तरीके से हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर से सभी को। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस अभी हम एग्जिट कर रहे हैं यहां पे से, आप पीछे देखो अभी हम। तो गाइस अब हम यहां से जा रहे हैं दूसरी जगह पर जहां पर दीदी वगैरह सब लोग हैं। सो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को एक बार फिर से, नए साल की बहुत बहुत बधाई। और ये नया साल आपके परिवार, आपके जीवन और आपके परिवार के जीवन में खुशियां लाए। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई आप सभी को। चले थोड़ी देर में मिलते हैं आप सभी से एक बार फिर। सो गाइस गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो व्लॉग देख रहे हो, सनी प्रीति साइड। सो नया व्लॉग, नई वीडियो। आपका कहाँ पे अंकल? घर का फिटिंग का सामान आ चुका है, ये अपने पास है पड़ा हुआ। अब फटाफट से ब्रेकफास्ट करनी है, ब्रेकफास्ट करके घर निकलना है क्योंकि घर में बिछ रही है पानी की नई पाइपें। सो आज भी देखते रहो व्लॉग में, बहुत कुछ है नई नई चीजें। तो दोस्तों आज सेकंड डे है, सो मैं घर पे पहुंच चुका हूं और ये आलू सेट है। मेरी मम्मी बैठे है, मम्मी ने सफाई की देखो घर की। और नीचे देखो वहाँ पे काम चला हुआ है। सो पाइपें जो लगी थी वो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नीचे बलवान मामा वाली है, वो वाली भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। सो अब इसके बाद निकलना है हाटकोटी के लिए। सुबह का प्लान था कि सुबह जाएंगे माता रानी के मंदिर, सो सुबह तो गए नहीं बट अभी जाएंगे। सो अब रेडी होते हैं फटाफट से। रेडी ही है, थोड़ा बहुत कपड़े चेंज करेगा और उसके बाद चले सीधा हाटकोटी माता रानी के दरबार। हाँ जी, तो दोस्तों माँ हाटेश्वरी के प्रांगण से वापस जा रहे हैं। आशीर्वाद हमने ले लिया, आरती हमने देख ली और अच्छा लगा वहाँ पर मिलके। माली साहब हमें मिले और काफ़ी लोग मिले, सभी से मिलके अच्छा लगा। और अब वापस हम घर के लिए निकल रहे हैं और बाकी आगे देखो आप जीजू घर आ गए। सो जय माँ हाटेश्वरी आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए और आप अपने जीवन में तरक्की करो और आगे बढ़ते रहो। चलो पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।